हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत कुछ सिखाने वाली हूँ, बहुत कुछ सीखे जाने वाले हो आप इस वीडियो को देख के। अगर आपके फेस पे इस तरीके से पिगमेंटेशन है जैसे मेरे फेस पे आपको दिख रही है और आप डस्की स्किन वाले हो, तो आप किस तरीके का मेकअप कर सकते हैं इस मॉनसून के मौसम में, जिसमें आपका मेकअप बहुत ही चिपचिपा, आपका फेस नॉर्मली चिपचिपा हो जाता है, तो मेकअप तो करना बहुत दूर की बात है। तो वही आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि आप किस तरीके से इस तरीके का मेकअप कर सकते हो जो कि लॉन्ग लास्टिंग रहे, आपका मेकअप चिपचिपाना हो और आप स्पेशल रक्षाबंधन पे किस तरीके का मेकअप कर सकती हैं टीनेजर गर्ल एंड हरियाली तीज। तो वही आज इस वीडियो में आपको सीखने के लिए मिलेगा। पहले अच्छे से मैंने जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाया अपने फेस पर, यह है पॉन्स का जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर। अच्छे से लगाने के बाद उसके बाद यहाँ पर हम सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज़ कर रहा है, मैंने उसे पूरे अपने फेस पे लगा लिया है। अब नेक्स्ट हमारी बारी आती है अपने डार्क स्पॉट डार्क सर्कल को कवर करने की, तो यहाँ पर मैं एले गर्ल का ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। इसे मैंने इस तरीके से अपनी फिंगर की हेल्प से उसे ब्लेंड किया, सिर्फ उस एरिया पर लगाना है जहाँ पर आपको पिगमेंटेशन है। अच्छे से वॉर्म होती है हमारी फिंगर, तो अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है इस तरीके से। अब ऑरेंजनेस को कट करने के लिए यूज़ करूँगी मैं यहाँ पर कंसीलर जो कि इनसाइड कॉस्मेटिक का है। इससे क्या है, आप थोड़ी देर बाद आपका फेस बहुत ज़्यादा ऑरेंज एंड रेड रेड सा दिखना शुरू हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है, मेकअप बहुत ही ख़राब दिखता है। तो अच्छे से उसे लॉक करने के लिए हम कंसीलर यूज़ करेंगे, और इसे और भी लॉक करने के लिए मैं आपको और आगे बताऊँगी। पहले इसे अच्छे से इस तरीके से ऑरेंजनेस आप देख रहे हो, ऑरेंजनेस जितनी भी थी सब कवर हो गई है, बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। अपनी आईलिड पर मैंने इसे कंसीलर को लगा लिया एज आई बेस, हम आई मेकअप करेंगे तो हमें आई बेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से ही मेरी फिंगर की हेल्प से ब्लेंड हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं लूज पाउडर ले रही हूँ इस डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, इसको अच्छे से जहाँ पर मैंने कंसीलर कलर करेक्टर लगाया था वहाँ पर उसे लगा रही हूँ और भी लॉक करने के लिए इसे। अब ये बिल्कुल गारंटी हो जाती है कि ये कहीं भी नहीं जाने वाला है आपका बेस। और भी लॉक करने के लिए आप इसे इस तरीके से मेकअप फिक्सर की हेल्प से अच्छे से फिक्स कर लीजिए, अब आपका बेस कहीं नहीं जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैं पॉन्स का ये बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ, अच्छे से पूरे फेस पर लगा लूँगी और अपने इसको आईलिड पर भी लगा लूँगी। और डैम ब्यूटी ब्लेंड की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ, आप फिंगर की हेल्प से भी एंड हैंड की हेल्प से भी इसे ब्लेंड कर लोगे, बहुत ही क्रीमी होती है, अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। उसके बाद पिंक लिपस्टिक ले लेना, आप कोई भी इस तरीके से ब्लश लगा लेना है आपको, मैट लिपस्टिक ली है मैंने पिंक मैट लिपस्टिक। उसके बाद मैंने वाइट टोन का ये लूज पाउडर यूज़ किया है और मैं इसे इस तरीके से 3 से 4 मिनट्स के लगा के छोड़ दिया था, और मैं इसे डस्ट आउट नहीं करूँगी, इस तरीके से ब्लेंड करूँगी जैसे अभी आप देख पा रहे हो, ऐसे ही आपको करना है। इससे आपका बेस और भी लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और मेकअप बिल्कुल भी चिपको चिपको नहीं लगता। उसके बाद यहाँ पर मैं ये मास्क का गिली हार्ट आई शेडो का यूज़ करी, जो ये 5-in-1 पैलेट है, इसमें से मैंने कॉन्टोर शेड पिक किया है, अपने फेस को अच्छे से कॉन्टोर कर रहा है इस तरीके से। और पाउडर जितना हो सके इस मौसम में पाउडरी जितने भी प्रोडक्ट हैं वो यूज़ करने हैं आपको। उसके बाद यहाँ पर मैं इसी पैलेट में से ब्रश शेड पिक करके अपने फेस पे अच्छे से और भी ब्लश लगा लूँगी। टीनेज गर्ल जितना ब्लश लगाए उतना प्यारा लगता है। उसके बाद यहाँ पर मैं इनसाइड कॉस्मेटिक का क्रीमी हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ जो कि 99 रुपीज़ का है, और आप देख रहे हो मैंने थोड़ा सा ही लिया अपनी फिंगर की हेल्प से, और ये पूरे फेस पे इनफ रहेगा, बिल्कुल भी मैंने दोबारा नहीं लिया है। ये बहुत अच्छे से आपके फेस को हाईलाइट कर देता है, ब्लेंड भी बहुत ही अच्छे से हो जाता है क्योंकि बहुत ही क्रीमी है ये। इस तरीके से आप जिस जिस फीचर को हाईलाइट करना चाहते हो वहाँ पर लगा लेना, और जैसे जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया पर मैं लगाया अगर वहाँ लगाना चाहते हो वहाँ लगा लो, बहुत ही प्यारा लगेगा। उसके बाद मैं आई मेकअप पे आ जाती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ये फ्लफी ब्रश की हेल्प से यहाँ पर ये लाइट पिंक शेड पिक किया है मैंने इस तरीके से। लाइट पिंक शेड करने से क्या होता है, ये एज आ हम ट्रांजेक्शन कलर यूज़ करेंगे अपनी क्रीज लाइन को डिफाइन करने के लिए, जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे मैंने इसे इस तरीके से अपनी क्रीज लाइन को डिफाइन करने की कर दी है, और अपने आउटर कॉर्नर पर भी अच्छे से लगाया, अपनी लोअर लैश लाइन पर भी इसको अच्छे से लगा लिया है। उसके बाद एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से यहाँ पर मैं डार्क पिंक शेड पिक किया है मैंने, जिसे आप रानी कलर भी बोल सकते हो, उसे अपनी इनर कॉर्नर पे और आउटर कॉर्नर पे दोनों पे अच्छे से लगाऊंगी इस तरीके से, जैसे आपने देखा है। यहाँ पर मैं ये यहाँ पर पिंक पिगमेंटेड ले रही हूँ जो कि ये ग्लिटर के पिगमेंटेड होते हैं, उन्हें मैं ये मिस रोज का पैलेट उसमें से लिया है, अपने आइज के सेंटर एरिया पर लगाया। उसके बाद इसकी जितनी भी हैश लाइन है उन सबको ख़त्म करने के लिए मैं इस तरीके से दोबारा अपने जो डार्क शेड था उसे इस कलर के साथ ब्लेंड कर दूंगी, और अपनी लोअर लैश लाइन पर ब्लैक काजल लिया है मैंने ब्लू हेवन का, उसे लगाया। उसके बाद उसी पेंसिल ब्रश की हेल्प से डार्क शेड पिक करके मैं इसे भी स्मच कर दूंगी काजल को भी, जिससे कि और भी स्मोकी लुक आएगा, प्यारा लगेगा। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये जेट ब्लैक आईलाइनर जो कि है NYV का। आप कोई प्रोडक्ट, मैं ये नहीं बोली आप यही यूज़ करने, प्रोडक्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, बस मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ कि अपने मेकअप को इस तरीके से लॉन्ग लास्टिंग रख सकते हो इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने स्विस ब्यूटी की ये लिपस्टिक यूज़ की जो कि बहुत ही अच्छी है, इसका शेड नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हो, बहुत ही प्यारी है, टीनेजर गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर रक्षाबंधन पर टीन आप हरियाली तीज पर इस तरीके का मेकअप करोगे तो प्लीज़, और जब भी करो तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना बिल्कुल मत भूलना। लिपस्टिक लगाने के बाद फाइनल हमारा मेकअप कंप्लीट हो जाता है।
उम्मीद करती हूँ आपको ये लुक अच्छा लगा होगा, ये टिप एंड ट्रिक्स आपको समझ में आई होंगे। अगर फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपकी हर कमेंट का जवाब देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इससे जुड़ा आपका कोई भी सवाल है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब करके थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा साइड में, क्योंकि मैं इस लुक के साथ बहुत सारी रील्स एंड पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करूंगी, तो आप जाके उन्हें भी ज़रूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।